नमस्कार दोस्तों। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारे साथ आती हैं और जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ हम अपने आप को कैसा बनाए रखते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं आज। तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसी भी न कैसी परिस्थितियां हर एक के साथ आती हैं। कोई भी परेशानी हमारे साथ आई, दो काम हम कर सकते हैं, या तो दुखी हो सकते हैं या उन परिस्थितियों से हम कुछ सीख सकते हैं। दुखी होना और कुछ न कुछ सीखना, ये हमारे अपने हाथ में है। किसी भी चीज़ को हम कैसे लेते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। एक महापुरुष मुझे याद हैं जिन्होंने कहा था, जिनके बारे में किसी ने कहा था, मान लीजिए कोई आपकी तरफ पत्थर फेंकता है, या बहुत से लोग आपकी तरफ पत्थर फेंकते हैं, तो कुछ लोग अपने आप को उन्हीं पत्थरों से लहूलुहान कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए घर बना लें। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे लेते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दुनिया में आप जी रहे हो, कोई न कोई चीज़ आपके सामने हमेशा आएगी ही, यानी कोई न कोई परिस्थिति आपके सामने आएगी ही, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अब उसको आप कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर है। चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं, लेकिन आप किस तरह से उनको लेते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी परिस्थिति आई, सबसे पहले आप देखते हैं वो है क्या। शायद आप नहीं देखते, अगर देख लें तो इतना झंझट ना हो। मान लीजिए कोई परिस्थिति आपके सामने आई, आप पहले तो भयभीत हो जाते हैं, फिर विचार चलने लगते हैं उसके साथ ही, तो आप उस परिस्थिति में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग से उस परिस्थिति का निदान करें, आप उस परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक तरह से, और इन्वॉल्व होके आपको कोई होश भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है। इसी कारण बहुत सारे भय पैदा होते हैं, आसक्तियाँ भी पैदा होती हैं। अब मैं आपसे बात करूँ, इन सारा जो खेल है ये आसक्ति के कारण ही है। मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति या कोई दुखदायी परिस्थिति किसी के साथ आई जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, तो हो सकता है आपको तकलीफ ना हो, जरा सी भी ना हो या बहुत थोड़ी सी हो। मान लीजिए आप कहीं गए, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसको आप जानते नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा हल्का सा एक फील होगा, बहुत मामूली सा कुछ क्षणों के लिए, फिर आप आगे चल जाएंगे। हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन यही परिस्थिति आपके साथ या आपके परिवार के साथ अगर होती है तो आप बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं, उसमें पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ आप अपने आप को अलग नहीं रख पाते। तो अगर समस्या दूसरे की हो, अपनी न हो, तो हम आसक्ति से बच सकते हैं और उसका अच्छी तरह से निदान भी कर सकते हैं, अगर वो समस्या हमारी न हो तो। तो सबसे पहली बात, हमें आसक्ति से दूर रहना है। इस दुनिया में आसक्त हम न हों, सबसे पहला महत्वपूर्ण काम हमें यही करना है। और आसक्ति से मुक्त कैसे हों, उसका तरीका ये है, जब भी कोई परिस्थिति आपके सामने आए या जब भी आपको मौका मिले, आप होश पूर्वक जियो, उसको देखो। देखो आप कोई समस्या आ रही है, आप पूरे अपने होश में रहो, अवेयरनेस, देखो आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, और आप उस परिस्थिति का निदान करो। जो भी आप कर सकते हो वो करो, और हो सकता है अगर आप उसमें पूरी तरह से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा कर सकें आप। अगर उस परिस्थिति से अगर आप भयभीत ना हो तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप भयभीत होते हैं, आपके हाथ पैर कपने लगते हैं, एक घबराहट सी, बेचैनी सी ये होती है, इसमें आप पूरा परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति को गौर से देखो और उसके प्रति अवेयरनेस का एक भाव रखो, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो।
कोई भी समस्या आपके सामने आई, आपने देखा समस्या क्या है, आप उसके निदान में लगिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको छोड़ दीजिए, दूर भाग जाइए उससे, नहीं। आपके अंदर जो चल रहे हैं विचार, उनके प्रति अवेयर रहिए, उनको देखिए आते और जाते हुए, और जो करना है वो करिए। सिर्फ एक साक्षी का भाव, एक दृष्टा का भाव उनके प्रति रखिए। आप देखिए विचार आए हैं, परेशानी भी आई है, वो आएंगी चली जाएंगी। बहुत सी परेशानी पहले आई वो भी चली गई, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। आपने सुना भी होगा, न दुख रहता है न सुख रहता है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा रहती है, वो है आपके अंदर का साक्षी भाव, दृष्टा भाव। कोई है जो आपके अंदर देख रहा है इस सब को, अवेयर है इसके प्रति। बस उसको ही थोड़ा सा आपको देखना है, उसके प्रति अवेयर हो जाना है, चीज़ों के प्रति आपको अवेयर होना है। जैसे जैसे आप चीज़ों के प्रति अवेयर होंगे, वो अवेयरनेस वाला दृष्टा साक्षी भाव आपका बढ़ता जाएगा। तो तरीका सिर्फ ये है कि जो भी आपके सामने स्थिति हो, परिस्थिति हो, जो आए, जहाँ पर आए, आप उसको देखें, उसका निदान करें, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा रहे, वो है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, एक अवेयरनेस। अवेयरनेस में आप जिए, चाहे कैसे भी आपके सामने कंडीशन हो। बहुत से लोगों के सामने परिस्थितियाँ आती हैं और उनका निदान भी होता है, कुछ का निदान हो जाता है, कुछ का नहीं भी हो पाता। तो आप जब जीवन में जैसे भी जिए, एक काम करके जिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि साक्षी भाव से आप उसको करेंगे, सिर्फ आप करेंगे। जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि फल की इच्छा मत करो, आप अनासक्त होते हुए काम करते जाओ, उसका कुल इतना ही मतलब है। आप साक्षी भाव से जब आप काम करते हैं, तो जब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, मेरा मतलब है आपके अंदर का इन्वॉल्वमेंट, आप जो उसमें भयभीत हो जाते हैं उस चीज़ से, उससे मेरा मतलब है आसक्त हो जाते हैं। जब आप ऐसे काम नहीं करते, तो आप एक तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, और उस चीज़ का निदान भी हो या न हो, बस आपका सारा ध्यान करने में होना चाहिए। आपने काम कर दिया, जो भी आप कर सकते थे उस परिस्थिति से निपटने के लिए, या उस परिस्थिति में रहते हुए जो भी आप कर सकते थे वो आपने कर दिया। एक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अनासक्त होते हुए आपने काम पूरा कर दिया, जो भी उसका परिणाम हो, जो भी आपको ठीक लगा वो आपने किया वहाँ पर। अब जो भी उसका परिणाम हो, बस आपने कर दिया, बात खत्म। अब उसके परिणाम में मत आप उलझिए, परिणाम मत सोचिए क्या हो सकता है, बस आप करने पे ध्यान दीजिए जो भी आपने किया है। कोई भी बीमार है, व्यक्ति है, आपने उसकी सेवा कर दी एक अच्छे भाव से, अच्छे मन से, प्रेम से, बस आपका काम खत्म हो गया। उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, उसको मैं कहूँ प्रकृति, परमात्मा या कुछ भी कहूँ, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। और जब भी हम अपने आप को प्रकृति के हिसाब से जोड़ लेते हैं, परमात्मा से जोड़ लेते हैं, आप अगर ये मानते हैं ये सारी चीज़ें परमात्मा के हिसाब से चल रही हैं, तो आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ लीजिए पूरी तरह से। जो उसकी मर्जी, वही आपकी मर्जी है, तो फिर आपका कोई अहंकार बचेगा ही नहीं। आपने अगर मान लिया कि परमात्मा की जो मर्जी हो वही मेरी मर्जी है, जीसस को सूली लगाई जा रही थी, आखिरी समय में जीसस को ध्यान आया कि हे परमात्मा, तू ये मुझसे क्या करा रहा है, तू ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तभी होश आ गया, तभी जीसस को ध्यान आया कि शिकायत हो गई, परमात्मा से कैसी शिकायत। फिर कहा जीसस ने, तेरी मर्जी पूरी हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने जो काम करना था वो कर दिया, अब आगे जो होगा वो होने दीजिए, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। और ध्यान रखिए कि कल जो आएगा वो आज से ही निर्मित होता है, आज जो आप करेंगे। प्रकृति का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो आप आज करते हो वो परिणाम के रूप में आपके कल सामने आता है। तो आप इस बात की फिक्र मत कीजिए कि मैं अच्छा करूं और मेरे साथ बुरा हो, उसको आप छोड़ दीजिए। जो भी सही होगा वो हो ही जाएगा, वो सामने आ ही जाएगा। अपने हिसाब से सही और गलत का निर्णय मत कीजिए। आपने अपना काम कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही चाहे आप
के सामने परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, आप साक्षी भाव से उसको कीजिए, कीजिए पूरे प्रेम के साथ, पूरी करुणा के साथ और आनंद के साथ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आनंद बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी चीज़ को आनंद के साथ करते हो तो आपके अंदर से ही एक अहोभाव पैदा होता है उन चीज़ों के प्रति और इस सारी प्रकृति के प्रति, इस सारे वातावरण के प्रति, लोगों के प्रति एक अहोभाव आपके अंदर पैदा होता है। तो जब आप ऐसा करते हो आनंद के साथ, हमेशा ध्यान रखिए प्रेम और आनंद को हमेशा साथ रखिए किसी भी काम में। जब भी आप किसी काम को करें उसमें आनंद और प्रेम जरूर होना चाहिए, प्रेम तो होना ही चाहिए। आनंद से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उछलो कूदो, एक अंदर का एक अहोभाव। और प्रेम में जब भी आप कोई काम करते हो तो आनंद आ ही जाता है, प्रेम के साथ आनंद आता ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी आप काम करें प्रेम के साथ करें, आनंद के साथ करें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इसको आगे बढ़ाएं, वीडियो को फॉरवर्ड करें। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।